सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है धीरज कुमार सालुंके। रात के 12 बज रहे थे। काव्या अपने रूम में सोई हुई थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। उसे लगा कि घर मालिक जाधव काका घर का दरवाजा खोल लेंगे, इसलिए वो सोई रही। लेकिन जब बेल बार बार बजने लगी तब उसे समझ आया कि आज तो घर मालिक जाधव और उनका बेटा टॉम घर पर नहीं है, इसलिए दरवाजा उसे ही खोलना पड़ेगा। काव्या 2 हफ्ते पहले ही भाग्य विधाता मेंशन यानी वामन जाधव के घर पेइंग गेस्ट बनकर रहने आई थी। घर में केवल 3 ही सदस्य थे, वामन जाधव, उनका बेटा टॉम और काव्या। वामन जाधव 65 साल के बुजुर्ग थे और उनका बेटा टॉम 30 साल का था, लेकिन पागल था। 30 साल का होने के बाद भी वो छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करता था। उसे ज्यादातर अपने कमरे में ही रहना पसंद था। जब टॉम 13 साल का था तब उसकी माँ के किचन में जलकर मौत हो चुकी थी, इसलिए घर के काम करने के लिए उन्होंने शांता नाम की नौकरानी रखी हुई थी। खैर, काव्या ने जाकर दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े गिफ्ट पेपर पर रैप की गई चीज पर गई। उसने वो चीज उठाई तो उस पर लिखा हुआ था टू काव्या विद लव। वो उस गिफ्ट को उठाकर घर के अंदर आई और सोफे पर बैठकर उसने वो गिफ्ट खोला। वो एक पेंटिंग थी जिसे देखकर काव्या डर के मारे कांप उठी, क्योंकि उसमें उसी की पेंटिंग थी। उसका कटा सिर डाइनिंग टेबल की प्लेट में रखा गया था। शरीर के बाकी कटे अंग जैसे कि हाथ पांव भी उसी टेबल पर रखे गए थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो डाइनिंग टेबल उन्हीं के घर का था। उसने डर के मारे वो पेंटिंग नीचे फेंकी और अपने कमरे में भागी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कांपते हुए ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। काव्या का डर लाजमी था क्योंकि कुछ 4 दिन पहले उसे ऐसी ही पेंटिंग उसके स्कूटी पर मिली थी। वो पेंटिंग उसकी बिल्ली की थी जिसमें वो रास्ते पर कुचलते हुए हालत में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ये देख वो काफी डर गई थी। उसने वो तस्वीर जाधव काका को दिखाई। तब काका बोले, अरे डरने की कोई बात नहीं है बेटी, ये तस्वीर जरूर पागल जोसेफ ने बनाई होगी। वो एक पेंटर है और अपनी डरावनी पेंटिंग से इस इलाके के लोगों को डराया करता है। पागल जोसेफ गली में घूमने वाला एक आदमी था। काव्या जब भी रास्ते से गुजरती तो वो काव्या का पीछा करता, उसे घूरते रहता। काका के कहने के बाद काव्या ने उस तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन घर के सामने वाले रास्ते पर काव्या की बिल्ली कुचले हुए हालत में पड़ी थी। उसे किसी गाड़ी ने कुचल डाला था और वो वैसे ही मरी पड़ी थी जैसे उस पेंटिंग में पेंट की गई थी। और अब काव्या की पेंटिंग उसे मिल गई थी जिसमें उसके शरीर के कटे हिस्से उसके घर के डाइनिंग टेबल पर पड़े थे। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो पेंटिंग सच ना हो जाए। दूसरे दिन सुबह जब काका और टॉम घर पर आए तो काव्या ने उन्हें वो पेंटिंग दिखाई। पेंटिंग देख काका और भी हैरान हो गए थे। डरे हुए काव्या को देख वो बोले, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ऐसे कहते हुए वो पेंटिंग लेकर जोसेफ से मिलने चले गए। शाम का समय था, काव्या अपने काम से घर लौटी थी। जब वो घर के गेट के पास आई तब उसने देखा कि गेट के बगल में वो पागल खड़ा हुआ था। वह काव्या को देख कान पकड़कर माफी मांग रहा था। उसे माफी मांगते देख काव्या का डर निकल गया और वो घर के अंदर चली गई। टॉम लिविंग रूम में सोफे पर बैठे टीवी पर कार्टून देख रहा था। काव्या को देख वो शर्माया और अपने कमरे में चला गया कि तभी डोरबेल बजी। शांता ने दरवाजा खोला तो फर्श पर और एक गिफ्ट पेपर में रैप की गई पेंटिंग उसे दिखाई दी। उसने गेट की तरफ देखा तो वहां पर पागल जोसेफ उसे दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। शांता ने पेंटिंग अंदर ली और दरवाजा बंद कर दिया। काव्या डर गई क्योंकि ना जाने उस पेंटिंग में क्या निकलने वाला था। शांता ने गिफ्ट पेपर हटाया और जब पेंटिंग देखी तो हंस पड़ी। उसने वो पेंटिंग काव्या को दिखाई। पेंटिंग में काव्या खुशी से टॉम के गले लगी हुई थी, बिल्कुल उसके गर्लफ्रेंड की तरह। ये देख वो भी हंस पड़ी। ये देखो, ये पागल जोसेफ तो सच में गधा है, भला तुम उस पागल टॉम से क्यों चिपकने लगी। जाने दो ना शांता काकू, आप भी ना, काव्या हंसते हुए बोली।
खैर काव्या ने कल रात मिली पेंटिंग का डर अपने दिल से निकाल डाला था। शाम के कुछ 8 बज रहे थे, शांता किचन में खाना पका रही थी कि तभी काव्या वहाँ पर आ गई। काकू कितनी देर लगेगी? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बस 5 मिनट, जैसे ही चावल पक जाएंगे मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूंगी, शांता ने कहा और काव्या अपने कमरे में चली गई। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन अभी भी शांता ने उसे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था, इसलिए काव्या किचन में चली गई तो उसने देखा कि गैस पर चावल जल चुके थे। उसने जल्दी से गैस बंद कर दिया। उसने शांता काकू को आवाज लगाई लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उस हुक की तरफ देखा जिस पर शांता अपनी थैली लटकाया करती थी, तो वहां पर थैली नहीं थी। इसका मतलब वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जाते वक्त चावल गैस से उतारना भूल गई। खैर उसने दाल रोटी खा ली और कमरे में चली गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। काव्या लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि जाधव काका देख लेंगे, लेकिन बेल बार बार बजने लगी। तब उसे लगा कि शायद बूढ़ा सो गया होगा, इसीलिए वो दरवाजा खोलने चली गई। और जब उसने दरवाजा खोला तो वहां पर एक और पेंटिंग जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने आजू बाजू देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। पेंटिंग उठाकर वो सोफे पर आकर बैठ गई। जब उसने उस पर से पेपर हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पेंटिंग में वो खुद थी। दीवार से उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने काले कपड़े पहना आदमी हाथ में खून से सना चाकू लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ और सिर का पिछला हिस्सा ही दिख रहा था और पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था, तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। यह देख वो डर गई और पेंटिंग लेकर जाधव काका के कमरे की ओर भागी। काका दरवाजा खोलिए, मेरी जान खतरे में है, वह घबराते हुए दरवाजा खटखटाते हुए बोली। कि तभी उसे कमरे से आती जाधव काका की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उनकी खौफनाक चीख सुनकर काव्या डर गई और उल्टे पैर चलने लगी। शायद पेंटिंग में जो खूनी था वह घर में घुस आया था और उसने जाधव काका की जान ली थी। कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुल गया और कमरे में काव्या को वही खूनी दिखाई पड़ा जो पेंटिंग में था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और उसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। कटने के लिए तैयार हो जाओ मेरी मुर्गी, ऐसा कहते हुए वह खूनी काव्या की तरफ बढ़ा। काव्या वहां से दूसरे माले पर जाने लगी, सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन वो जब सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी उस खूनी ने उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे खींचा। काव्या मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर गई, वो चीखी। खूनी उसका पैर खींचते हुए घसीटकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले आया। वह खूनी डरावनी आवाज में हंसा और उसने चाकू दोनों हाथों से पकड़ा और वो उसे बस काव्या के पेट में घोंपने ही वाला था कि तभी काव्या ने उसकी पीवित जगह पर जोर से लात मारी और खूनी के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। वो फर्श पर लेटकर दर्द के मारे कहराने लगा। काव्या ने जैसे तैसे खुद को संभाला, उसके चेहरे से खून निकल रहा था। वो घर के दरवाजे की तरफ भागने ही वाली थी कि तभी उसे जाधव काका की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। काव्या बेटा मुझे बचाओ। काव्या ने आवाज की तरफ देखा तो जाधव काका कमरे से बाहर आए थे, उनके पेट से खून निकल रहा था। काव्या उनके पास चली गई कि तभी उसे पीछे से खूनी की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें काट डालूंगा, खूनी अपने जगह से उठते हुए बोला। वह अपने बाएं हाथ से पेट पकड़कर लड़खड़ाते हुए कदम से चल रहा था कि तभी काव्या के पीठ में किसी ने चाकू घोंप दिया। काव्या चीखी। उसने मुड़कर देखा तो जाधव काका ने ही उसके पीठ में चाकू घोंप दिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे उसका गुस्सा आया था। उसने गुस्से में उसको जोर से धक्का मारा और वो सिर के बल टेबल के कोने में जा गिरे और नीचे गिर गए। काव्या ने पीछे देखा तो खूनी लड़खड़ाते हुए कदमों से उसकी ओर ही बढ़ रहा था। वो अपने दर्द से अभी भी उभरा नहीं था। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो, काव्या ने उस खूनी से पूछा। तब उस खूनी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर काव्या दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो जाधव काका का पागल बेटा टॉम था। जाधव काका और टॉम क्यों मारना चाहते हैं काव्या को? उसने ऐसी क्या गलती की है कि वो दोनों से मारना चाहते हैं? कौन है वो खूनी चित्रकार? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।